हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ द व्लॉग। तो गाइस, मैं जानता हूँ आप इस व्लॉग को क्यों देखना है। तो गाइस, आप इस व्लॉग में देखना आए हो सीक्रेट बॉक्स मेरे। मैंने आपके और अपनी सहूलियत के लिए यहाँ पर मेज का सेटअप लगा लिया, जिससे मैं आपको दिखा सकूं। यहाँ पर काफी धूप है, तो गाइस थोड़ा सा शैडो आएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि गाइस ब्लैक मेरा फेवरेट कलर है और मैं काला जाऊंगा छाया में। तो गाइस, मैंने आपको ये वीडियो काफी मोटिवेट करेगी रखेगी। इस तरह गाइस मैं सामान लेकर आया, बॉक्स लेकर आया, कॉम्पोनेंट्स लेकर आया, इतने सारे मैंने इकट्ठी किए। गाइस, आज का व्लॉग काफी धांसू और बॉडी बिल्डर होने वाला है, यानी कि तगड़ा होने वाला है। गाइस पढ़ाओ भाई, बॉक्स लेकर आते हैं, जिसके लिए गाइस आप आए हो, आपको निराश नहीं करेंगे, बहुत मजा आएगा। बने रहो, छोड़ो लोंडो, चलो। तो गाइस, ये रहे वो बॉक्स। यार सोच रहा हूँ कि ऐसे दिखाऊंगा तो मजा नहीं आएगा। इसके अंदर क्या का माल पानी भरा पड़ा है, इन बॉक्स के अंदर क्या क्या सीक्रेट फाइल है, गाइस सीबीआई को जांच करनी है। तो भाई सारा माल पानी गाइस रखने की बात नहीं है, मैं खुद आपको माल पानी दिखा दूंगा। ऐसे मैं आपसे कितनी बार कह रहा हूँ, मेरे बाल मत देखो यार, बाल बड़े बेकार हो रहे हैं यार, ये ड्रायर मार मार के जो ना टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं। गाइस फटाफट मैं बॉक्स लेकर आता हूँ। तो गाइस फाइनली बहुत सारे बॉक्स लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने और बॉक्स आपको ऑलरेडी पहले व्लॉग में दिखा दिए हैं, मतलब सफाई करते हैं इसमें क्या कर रहा है। जो मोटा मोटा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये रहे स्पीकर, और भाई इसमें अलग अलग टाइप के छोटे मोटे नन्हे लंबे चौड़े पतले, जो गाइस काफी हेल्प करते हैं मेरा। और ये कहाँ से आ गया, ये तो बुजुर्ग है, तो कहाँ से आ गया भाई। अच्छा चल कोई ना यार। तो भाई इसको तो आपने देखा, या अगर ऐसे नहीं देखा तो ऐसे तो आप देख लोगे। ये रहा, इससे भी छोटा आपको स्पीकर दिखाऊंगा। देखिए ये तक है मोबाइल का स्पीकर है, और ये छोटी सी वाइब्रेशन है मोबाइल की, जो की पहले आती थी शायद अभी आती है। ये स्पीकर भाई कौन नहीं जानता, डोंडो 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 उसमें आते थे भाई मारियो में। वैसे ये क्या था जो मैं बोल रहा था, देखिए एक इंच का स्पीकर, ये वाला क्या मस्त स्पीकर है। तो भाई ये तो हो गया डन, इसे रखते हैं नीचे को सीधा। ये लोंडा, एक एक करके दिखाऊंगा, बने रहो। काफी इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारी प्राप्त होगी आपको। तो ये आपने देखा भाई, ये है ज्वेलरी सा का ब्लेड, और भाई ये ब्लेड काफी पतला होता है, इसमें आई थिंक 1000 ब्लेड है। तो यार ऐसे दिख जाए आपको, देखिए कितना बारीक ब्लेड है, बिल्कुल भाई साहब तार की तरह है, कितना बारीक ब्लेड है। अगर मैं अपने हाथ में रखूं ना, टीथ बने हुए हैं भाई, बहुत मस्त कटिंग करता है जो बात है लोंडा। और भाई इसमें गियर है, और ये कुछ फेराइट मैग्नेट है, कुछ ब्लेड है, और ये हमने बनाया था एक पुलर मोटर के लिए, ये निकाल सके शाफ्ट से। कुछ एलन कीज है, ये हो गया कम्प्लीट, तुरंत नीचे पहुंचो बेटा। ये भाई साहब हमारा एक बॉक्स, जिसमें हम रखते हैं ड्रिल बिट। बहुत सारे ड्रिल बिट हमारे टूटते भी रहते हैं यार, पता नहीं क्या बात है भाई, बहुत टूटते हैं हमारे ड्रिल बिट। ऐसा ना कि भाई हल्का सा ही गड़बड़ हुई, फटाक टूट गया। देखिए ये भाई 1 mm का ड्रिल बिट है, कितना पतला है, कुछ खाता पीता नहीं है, खाया कर बेटा। ये सबसे मोटा आई थिंक हमारे पास, और ये 300 का है। इससे मोटा हमारे पास है गाइस वो हैमर ड्रिल मशीन, ना जो हैमर होती है बड़ी वाली, अंदर लग रहा है ये कुछ हम जुगाड़ उगाड़ के बनाते रहते हैं ना, ये यहाँ पे अंदर ही डालते रहते हैं। ये भाई हमारा एलईडी का बॉक्स, ये आपने देखा व्हाइट रेड और ग्रीन आरजीबी ब्लू और डीओ भी लगी है इसमें, ये येलो वाली एलईडी है। और भाई ये देखिए मैं पूरे 1000 पीस लेकर आया था। मैं जब दिल्ली जाता हूँ ना तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेकर आता हूँ। तो भाई मैंने सोचा कि यार अगर मैं 1 रुपए की एक एलईडी लाऊंगा तो काफी कॉस्टली पड़ेगी। भाई यकीन मानिए मुझे 300 रुपए की 1000 एलईडी का पूरा पूरा पैकेट मिल गया। तो भाई आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कितना सस्ता है। तो अप्रोक्स अगर मोटा मोटा माल 30 पैसे की एक एलईडी पड़ी है, तो आपको अगर थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी मिलाओगे तो काफी सस्ता पड़ जाता है। वरना काफी लोग ये भी कहते हैं समर हमारे यहाँ 2 रुपए की एलईडी मिलती है, 5 रुपए की एलईडी मिलती है। दोस्तों कमेंट कर बताएं आपके यहाँ पर कितनी एलईडी मिलती है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको, सिंपल सी बात है भाई, क्वालिटी का फर्क भी होता है। लेकिन गाइस जो ये है ना, जिसकी देखिए ये वाला डिब्बा हो गया, और एक डिब्बा और है कर, हाँ देखिए एक डिब्बा ये रहा, देखिए एलईडी का, ये ग्रीन कितनी सारी है, ये मुझे 300 रुपए की 1000 पड़ी थी, और भाई ये भी मुझे 300 रुपए 1000 पड़ी थी। जो व्हाइट होती है ना, या जो आरजीबी होती है, वो थोड़ी सी महंगी आती है, 400-450 रुपए का पूरा पैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी चीप पड़ती है, जो मैं लाभ उतनी की बता रहा हूँ। मुझे किसी का ये नहीं कि भाई मैं किसी की वैल्यू कम करूँ, या किसी का कोई सामान बेच रहा है, भाई मेहनत भी कर रहा है, टाइम भी दे रहा है, तो इसलिए वो दुकान वाला भैया बेच रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है। और भाई आप अच्छे से जानते हो, कोई बच्चे अगर आप ज्यादा लेकर आओगे तो भाई सिंपल सी बात है, वो चीज सस्ती मिलेगी। इसमें भैया हमारे छोटे मोटे बैरिंग, नन्ने मुन्ने से बैरिंग है, ठीक है, इन्हें भी रखते हैं साइड में, काम आते रहते हैं हमारे। भैया अब आते हैं इस बॉक्स पर। ये बॉक्स भी शायद आपने पहले देख लिया होगा यार, ये बॉक्स काफी मदद करता है, घर में कुछ टूट फूट हुई, कुछ गिट्टी विट्टी लगानी हो, कुछ फास्टनर लगाने हो, नट बोल्ट लगाने हो, यहाँ पर अलग टाइप के नट बोल्ट, स्क्रू हर तरह का स्क्रू मिल जाएगा, वॉशर मिल जाएगा, ये भी रखते हैं साइड में। अब आते हैं इस बॉक्स पर, देखते रहो क्या क्या माल पानी है ब्लॉक में लोंडो। भाई ये रहे 2 थर्मामीटर, एक खराब है और एक ठीक है, डायोड रेजिस्टेंस, और भाई बाई चांस ऐसा होता ना कि भूल जाते हैं कोड को डिकोड कौन करे, इतना सरदर्द मारे भाई, यहाँ लिख देता हूँ 100 के, ये 1K के। यहाँ पर कुछ सॉकेट है माइक्रो यूएसबी के, ये कुछ सेंसर है, इसके बारे में बाद में प्रोजेक्ट बनाएंगे इसका भी, इसके अंदर सेल भी रखें, ये भी होगा पूरा। ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं बनाते हैं, एडिटिंग में बहुत दिक्कत आती है, काफी लोग कहते हैं समझ लंबा ब्लॉग बनाओ, यार लंबा ब्लॉग तो हम बना लें, लेकिन गाइस उस चीज को टाइम भी देना होता है, फिर भी हम मेहनत करते हैं कि भाई आपको अच्छा ब्लॉग मिले। लंबे से मतलब नहीं है, जितनी जानकारी चाहिए उतनी जानकारी आपको मिले, वरना एक्स्ट्रा बातें करेंगे बक बक करेंगे, उससे तुम बोर हो जाओगे, क्या फायदा है ना। तो भैया अगले बॉक्स पर आते हैं, जो कि ये रहा सब में रेजिस्टेंस, तो भाई मुझे लग रहा है मिलेंगे। तो अलग अलग यहाँ पर डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, आईसी हो गई, इसमें ये कैपेसिटर है, यहाँ पर देख सकते
सकते हो ये टॉगल स्विच है, N20 गियर मोटर है। मैं आपको गियर मोटर नहीं दिखाऊंगा गाइस, मैंने ऑलरेडी पहले अपने मोटर की बना दी वीडियो, मैंने कहा था उसमें भी कि और भी है मेरे पास मोटर, कोई ज्यादा पड़ा है सब ऐसे हो रहे हैं देख सकते हो ना जैसे भाई यहाँ पे। और ये काफी कॉस्ट में मिलता है, एक मोटर लगभग 300 या 400 रुपए का एक मोटर मिलता है ऑनलाइन, लेकिन भाई ये मैं लेकर आया था 80 रुपए का। और गाइस मैं लाया हूँ चांदनी चौक के पास पड़ता, लाल किले सामने मार्केट पड़ती है, लाला राजपत राय की, उस पर मैंने आपको बता दिया, मैं उसका ब्लॉग बना रखा वहाँ से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये कुछ कैपेसिटर है, कैपेसिटर ट्रांसिस्टर का तो भाई यार ड्राइवर का तो मामला बहुत भरा पड़ा है, सबके पास आपको बहुत ज्यादा मिल जाएंगे सस्ते, बहुत चीप प्राइस मिल जाते हैं। और भाई ये रिले 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 रिले, ये बात कुछ देख सकते हो माइक्रो यूएसबी वाले बाय मोड के चार्ज मॉड्यूल 50 के, और वहां से ये है स्टूडियो में मैग्नेट, भाई वाह क्या मस्त लग रहे हैं भाई लोंडे, तो यहाँ रख देते हैं। ये हेडफोन की बैटरी है, टच सेंसर है यहाँ पर, और एम्पलीफायर के बोर्ड देखिए कितने सारे, ये सब एम्पलीफायर के बोर्ड हो भाई, काफी धांसू साउंड इनके भाई, बहुत मस्त आवाज निकालते, देखिए 86-10 मस्त बिल्कुल साउंड है इसके, बढ़िया 15-15 वाट के कुछ बूस्टर मॉड्यूल, ऐसा कहते ना काफी चीजें हमारे लाने पड़ती है, जैसे हमने कुछ चीज बनाई कोई भैया ले गया, कोई फ्रेंड ले गया, कोई रिलेशन में ले गया, घर में किसी ने यूज कर लिया, तो हम दूसरा जो बनाएंगे बाय चांस के फ्यूचर में कुछ अपग्रेड करेंगे, तो गाइस मैं एक बार ही 10-20 पीस लेकर आ जाता हूँ भाई, जिससे झंझट ना आगे फ्यूचर में ना, ठीक है। ये छोटे छोटे बजर है 5 वोल्ट के, ये काफी मस्त है, स्टेप डाउन मॉड्यूल है आई थिंक, देखा आउटपुट 3 एम्पियर, डिफॉल्ट 1.25 वोल्ट, तो आप इससे अलग अलग टाइप के वोल्टेज ले सकते हो, 5 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह के देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है, ये भी काफी मस्त बोर्ड है। चलो यहाँ रखते हैं, इसका बॉक्स भी हो गया ठीक है। और भाई ये हमारा स्विच वाला बॉक्स देखिए, पुश स्विच, ये भी पुश स्विच, ये भी पुश स्विच, लिमिट स्विच देख सकते हो, ये कटा कटा कटा, तो ये भाई है टॉगल स्विच, पुश स्विच, और ये बैंड स्विच है, ये भी बैंड स्विच है, पुश टू ऑन पुश टू ऑफ, इसमें सारे में स्विच भरे पड़े हैं। और भैया इसमें क्या माल पानी है, अरे बैरिंग क्या कर रहे हैं, अबे तुम यहाँ कर रहे हो, चलो इधर को चलो। ये 6 mm की शाफ्ट है, अलग अलग इंच के हिसाब से आती है, जैसे भाई 8 इंच हो गई, ये आई थिंक 5 या 6 इंच हो गई, और ये 4 इंच हो गई नीचे वाली। और भाई ये है कनेक्टर, जैसे हमें दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करना हो या मोटर से कनेक्ट करना हो इनका यूज होता है, तो ये आपने देख ली मोटा मोटी है बात है। चलो भाई आगे आते हैं। अच्छा भाई ये मैंने जो अभी ऑपरेशन किया था अपने व्लॉग चैनल पर, हजारा मिल गया वीडियो थी, इसमें मैंने जो होते हैं ना कैसेट प्लेयर या सीडी प्लेयर या गाड़ी में जो डैग वैग लगते हैं ना उनको मैंने खोला था, तो ये काफी काम की चीज है, इन्हें भी रखते हैं, आपने वहां देख लिया तो दोबारा नहीं दिखाएंगे भाई, ये जानते हो इसी वजह से जरूरत है नहीं दिखाने के लिए, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह का सामान है, तो उसे ज्यादा दिखाना कोई फायदा है नहीं क्योंकि इसमें सारी चीज मिक्स पड़ी, और जैसे कि ये BMS पड़ा है, आई थिंक ये 25 एम्पीयर का BMS है, लिखा नहीं है इस पर लेकिन मैं बता रहा हूँ। और भाई ये कुछ अलग अलग ICB है इसमें जो मिलती नहीं है भाई लोकल मार्केट में, बड़ी दिक्कत करती है। और ये देखिए एक ड्रोन मोटर ये रखे, तो अलग अलग यार भरे रहते हैं सब कुछ। और भाई ये इस पर आते हैं, ये रहा भाई साहब पुली का बॉक्स, देखिए इसमें अलग अलग टाइप की पुली रखी है, और ये कुछ रबड़ बैंड है, काम आती है प्रोजेक्ट में, साइंस प्रोजेक्ट में मोटर पर लगाने के लिए पुली पर। और ये एल्युमिनियम पुली है, और इसमें तीतों के हिसाब से आती है कि कितने तीत है, इस पे लिखा होगा टाइमिंग पुली है वैसे, लेकिन इस पे तीत पे नहीं लिखा, गिनने पड़ेंगे। 3D एल्युमिनियम पैक ऑफ 1 पीस 5 mm बोर, बोर का मतलब ये रहा बीच में जो ये होल, ये 5 mm का है, तो अलग अलग हिसाब से आती है। ये इसकी बेल्ट है टाइमिंग बेल्ट, ये भाई मुझे 100 रुपए मीटर मिली थी डेली जहाँ से मैं लेकर आया था, भाई पता नहीं लोकल मार्केट में मिलते नहीं है, लेकिन ऑनलाइन कितनी मिलेगी जो बात महंगी मिलेगी, ठीक है ये हो गया। अब आते भाई सबसे भारी बॉक्स पर, कभी मुझे शौक चढ़ा था काफी वक्त पहले आर्डिनो का, लेकिन यार मजा नहीं आया, जो मजा यार जुगाड़बाजी में है ना वो मजा है नहीं, आर्डिनो के प्रोजेक्ट मैंने बनाए थे मजा नहीं आया मेरे को, बनाए यूट्यूब पर डाले कुछ वीडियो मैंने डाली, लेकिन मजा नहीं आया, वो पिन घुसेड़ो ऐसे घुसेड़ो नहीं, जब तक हथौड़ा तो ना कुछ कटे पटे ना, जब मजा नहीं आता यार है ना। ओ बहुत देर होगी मुझे इस लोकेशन पे, मैं इस लोकेशन पर आ जाता हूँ, इसे खोलते हैं। भैया आप खुद देखते रहना क्या क्या माल पानी है। ये भैया पावर बैंक मॉड्यूल, ये दोनों एक ही टाइप के हैं, बस ये आगे से देख सकते हो पीछे से देख सकते हो, ये एक ही है दोनों, तो ये मैंने इस तरह के पिन में पैक कर रखे हैं, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं देखिए ये एक ही है बिल्कुल, और ये काफी मस्त पावर बैंक मॉड्यूल है, यहाँ रखते हैं साइड से, और आप जानते हो अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो सेंसर, बहुत सारे सेंसर है, और देखिए देख सकते हो डायलर गिर गया, ये मैंने एक बार सॉफ्टवेयर चढ़ाए थे, बहुत टाइम हो गया जब खोले हुए, नाम भी भूल गया मैं, ये सर्वो मोटर है कुछ इसके अंदर, जॉयस्टिक है, और ये आर्डिनो यूनो बनाया था पहले मैंने भाई इसके प्रोजेक्ट, देख सकते हो 9 ग्राम है ना, तो ये टॉर्क होता है इनका, ये अलग अलग डेटा केबल है, तो इसमें सब तरह का मिक्स माल पड़ा है, कम से कम भाई 1-1.5 साल बाद को मैंने खोला है, जोड़ती नहीं पड़ती, आपने कहीं देखा भी मैंने इस तरह का सामान मैंने पहले कभी बनाया था, फ्यूचर में बनाएंगे तो देखते हैं क्या बनाना हो। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से भाई इतने सारे बॉक्स इकट्ठे कर रखे हैं, और भाई इकट्ठे एक साथ नहीं हुए, धीरे 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 जैसे मैं गया, मैं पहुंचता रहा दिल्ली गया, वहां से आया तो वहां से कुछ तरह सारा सामान लेकर आया, फिर दिल्ली गया फिर लेकर आया मोटर, आपने देखे मैं जब भी जाता हूँ मोटर जो लेकर आता हूँ, गाइस मुझे चाहिए वैरायटी। और गाइस अभी और भी बॉक्स है वो मैं आपको आगे कभी व्लॉग में दिखाऊंगा, तो प्लीज दोस्तों बने रहिए व्लॉग में, काफी मजा आ रहा है, और आई होप फ्रेंड्स आपको आगे ऐसे ही मजा आता रहेगा। और भाई कुछ भी चीज एक दिन में नहीं होती पर एक दिन जरूर होती है, टाइम वो सबका आता है, धीरे 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 इकट्ठे करते करते गाइस आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई इतना सारा सामान हम पे, इतने सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। टिप्स यार कैसे इसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, सीधे कैसे करूं, ड्रायर मार लेता हूं बड़े हो जाते हैं, नहा लेता हूं अगले दिन फिर बेकार हो जाए, अबे डेली ड्रायर मारो तो बाल बेकार हो जाएंगे। प्लीज दोस्तों यही बताएं, और भाई यही बताएं कि भाई आपको ये व्लॉग कैसा लगा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।